सुंदरी ठीक बोल रहे लाइट जलाने ये मैं अपने घर ले जा रहा हूँ दोनों जलाने ठीक हो भैया दिल्ली ठीक हो भैया दिल्ली लाइट जलाने तुम ना चालू कर लाइट आगे नहीं पीछे प्लीज कम भाई काटने के बाद थोड़ा सा आपको थोड़ा अनुज जैसा कि मैडम ने सवाल किया कि सबसे अच्छी पेंटिंग आपको कौन सी है इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि जो बांसुरी है उसके ऊपर नृत्य हो रहा है उसके ऊपर जो स्टेप्स हैं नृत्य के वो दिखाए गए वो चित्रित किए गए ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है बहुत इनके दिमाग की अपनी उपज है और जिसको चित्रित भी बहुत अच्छी तरह किया कलर्स बहुत अच्छे दिए बहुत ही अच्छे सूदिंग तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राखी जी की जो पेंटिंग्स है वो लोगों को बहुत आनंद दें लोगों के अंदर भक्ति जगाएं लोगों के अंदर प्रेम जगाएं लोगों के अंदर एक दूसरे को चाहने की एक दूसरे को प्रेम करने की एक दूसरे का सम्मान करने की चाहत जगाएं क्योंकि जो इनका सब्जेक्ट है मीरा कृष्ण और राधा ये जो तीनों हैं ये तीनों प्रेम के ही स्वरूप हैं प्रेम की मूर्तियां एक बार किसी ने कृष्ण से पूछा कि आपने प्रेम तो राधा से किया लेकिन शादी आपने रुक्मिणी से की ऐसा क्यों किया तो कृष्ण बोले कि शादी करने के लिए तो एक और शरीर की जरूरत पड़ती है राधा और मैं तो एक ही शरीर है उससे शादी कैसे करता इसलिए मुझे रुक्मिणी से विवाह करना पड़ा ये होता है प्रेम कि जब एक हो जाते हैं दोनों और वही था प्रेम वही थी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना इन पेंटिंग्स में यही चीजें हमें समझ में आती तो सर म्यूजिक और पेंटिंग में आप क्या रिश्ता मानते हैं बहुत बड़ा रिश्ता जैसे कोई गाना हम बनाते हैं और वो गाना चित्रित करते हैं जब आप मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुनते हैं तो उसमें आपको लगता है कि सामने कन्हैया जो है माखन चुरा रहे हैं और माँ को समझा रहे हैं मैंने नहीं खाया तो ये चित्रण जो है यही चित्रण ये
पेंटिंग्स में करती हैं, रंगों के द्वारा करती हैं, हम स्वरों के द्वारा करते हैं, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मैंने की है पेंटिंग, मैं अपने स्कूल डेज में पेंटिंग्स करता था और पेंसिल स्केच बनाता था और मुझे अच्छे लगते थे, काफ़ी मैंने उन दिनों बनाई और आज भी अगर कभी बैठ जाऊंगा तो बना सकता हूं, लेकिन अब मैं अपने स्वरों से बनाता हूं, अब मैं पेंसिल से या कलर से नहीं बनाता। जैसे कि आपने कहा कि आपको ये पेंटिंग काफी खूबसूरत लगी है, तो आप हमें बताएंगे कि इस पेंटिंग में आपको किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इसमें इसमें सबसे बड़ी खास बात जो है कि इसमें बांसुरी के ऊपर जो पैरों की नृत्य की मुद्राएं हैं वो बहुत अच्छी तरह दर्शाई हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल नया है और ये इसके लिए मैं राखी जी को मुबारकबाद दूंगा कि नया सोचना और उसको सुंदर बना देना बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता लगता है कि ये डांस भी बहुत अच्छा करती है, हमने देखा तो नहीं लेकिन ये डांस बहुत अच्छा करती होंगी, सुंदर तो है ही और साथ में संगीत के प्रति इनका कितना प्रेम है वो सब नजर आता है, भक्ति कितनी है इनके अंदर वो नजर आती है, तो ये सब मिलाकर राखी वैद्य बनी है। राखी वैद्य बनना कोई आसान काम नहीं है, सब नहीं बन सकते। मैडम तो भजन सम्राट जलोटा है आपके इवेंट पे, तो आप कैसा फील कर रही हैं इस बारे में? आज मेरा सपना पूरा हुआ ऐसा लग रहा है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा है आज मेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा। कृष्ण के जो कृष्ण से जो इतना प्यार करते हैं, जैसे मैं अपने पेंटिंग में कृष्ण के साथ भक्ति में लगी रहती हूँ, वैसे अनूप जी उनके भजनों में राधा कृष्ण मीरा हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ उनके भजन सुनती हूँ और भजन के साथ पेंटिंग करती हूँ तो वो जो एक भाव आ जाते हैं तो हमेशा इनको याद करते रहती हूँ और आज मेरा सपना पूरा हुआ। आपको भी ट्रिब्यूट के लिए आपके लिए भी एक कुछ एक ऐसी पेंटिंग अब बनाई जाएगी और अलग अलग रूप में गाते हुए भजन करते हुए, क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह की बातें आती हैं सामने? अच्छा लगता है मुझे, पिछले कुछ 30 वर्षों से लोग मुझे पेंटिंग्स बना बना के भेजते हैं अपने श्रद्धा से। एक कमाल की घटना बताऊं कि बिलीमोरा एक जगह है गुजरात में, वहां से एक आदमी ने मुझे पेंटिंग बना के भेजी मेरे फेस की, इस बात को 30 साल हो गए करीब, और वो उसने अपने खून से बनाई थी। तो जब मेरे पास वो पहुंची तो मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बाद में मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इसने अपने ब्लड से बनाई। तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट किया, उसको कहा भी बहुत खुशी है आप हमारा संगीत पसंद करते हैं, हमारे प्रशंसक हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, ऐसी इस तरह पेंटिंग आप अपना खून इसमें ना बर्बाद करिए, यही आप दान करके आइए। तो वो कुछ इतने दीवाने थे कि वो मेरा जब लेटर मिला तो उन्होंने एक और बना के भेज दी अपने खून से। फिर मुझे उनको बहुत समझाना पड़ा, उनसे मिलना पड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने वो सिलसिला बंद किया। तो ये प्रेम और भक्ति और किसी के प्रति श्रद्धा जो है वो इतना कुछ कराती है। और अभी गीता दास जी मेरी 50 पेंटिंग्स बना रही हैं, वो बनाना चाहती थी 60, क्योंकि मैं इस साल 60 का हुआ हूँ, तो मैंने कहा इतनी मेहनत मत करिए आप, कम करिए, तो 20-22 तो उन्होंने बना ली हैं और 50 जब पूरी हो जाएंगी, हो सकता है कि 60 ही हो जाएं, तो फिर उसकी एक एग्जीबिशन की जाएगी और लोग उसको देखेंगे। सर लास्ट सवाल सचिन के बारे में, सर रिटायरमेंट आज उनका हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सचिन के बारे में? सचिन को इस वर्ष भारत रत्न दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारत रत्न तब दिया जाता है जब सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि उसको भारत रत्न मिल रहा है, वो इतना बीमार होता है, वो इतना करीब होता है मृत्यु के कि उसको पता ही नहीं होता है उसे भारत रत्न दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि सचिन एक ऐसे इस आयु में उनको दिया जाए जिससे कि एक नई बात हमारे देश में पैदा हो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से कि सचिन जी को इस बार भारत रत्न दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप इस वक्त देख रहे हैं आर विजन टीवी।
हेलो क्या हाल बस फोंदे फोंदे सूट करो सूट